हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ टेक के वेबटेक यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जानने वाला हूँ कि हम डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जाना था कि हम किसी भी डेटा को MySQL डेटाबेस से सिलेक्ट करके अपने वेब पेज पर कैसे शो करते हैं, इसी टाइप से आज हम जानने वाले हैं कि हम डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। अगर मेरे पास अनवांटेड डेटा है तो उस डेटा को डिलीट कैसे कर देंगे। लाइक मेरे पास यहाँ डेटा पड़ा है, मैं चाह रहा हूँ कि डी के वेबटेक वाला डेटा डिलीट हो जाए या राधे वाला डेटा डिलीट हो जाए, मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूँ वैसे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि हम कैसे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और कैसे डेटा को हम MySQL डेटाबेस से सिलेक्ट करते हैं, एक डेटा कैसे आएगा एंड, तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। तो चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ आके मैंने एक डेंजर बटन बनाया है डिलीट पर। ठीक है, तो यहाँ आके जो HREF है, यहाँ आके मैं लिखूँगा PHP और PHP को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और इको कर देंगे हम, इको कर देंगे डॉलर डॉलर फैच FETCH फैच, और यहाँ आके हम ID को, ठीक है। तो यहाँ चेक करोगे आप, रिफ्रेश किया तो जैसे मैं यहाँ आया तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5, ये यहाँ यहाँ कॉर्नर में देखना तो यहाँ आएगी, देखो क्रेड 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आके इसको हम ले जाएंगे डिलीट डॉट PHP वाले पेज पे। डिलीट, एक पेज क्रिएट करेंगे डिलीट डॉट PHP, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ID। अब क्वेश्चन मार्क का क्या काम होता है, जो भी डेटा है अब ध्यान से देखना यहाँ। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो क्या आया, डी के, यहाँ देखो ध्यान से, डी के यहाँ यहाँ कॉर्नर में देखना कि यहाँ आया डी के वेब टैग और क्रेड क्रेड डिलीट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क ID। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि ये हमने एक वेरिएबल बना दिया। क्या बना दिया, एक ये वेरिएबल बना दिया ID। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हम डिलीट डॉट PHP वाले PHP पेज पे, डिलीट डॉट PHP वाले पेज पे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ आके हम एक पेज बना देते हैं डिलीट डॉट PHP नाम से। तो यहाँ आता हूँ, यहाँ के इस फाइल को सेव करता हूँ और सेव करता हूँ डिलीट डॉट PHP, DELETE डिलीट डॉट PHP। ठीक है, फाइल को सेव कर देते हैं और यहाँ के PHP सेव किया। ठीक है, इंक्लूड कर देते हैं इसको, कनेक्शन को, कनेक्ट को कनेक्शन डॉट PHP वाले पेज को, कनेक्शन डॉट PHP वाला पेज इंक्लूड हो गया। अब मैं क्या कहूँगा, इफ एज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड से, क्या अंडरस्कोर गेट मेथड से, गेट मेथड से यहाँ मैंने वेरिएबल बनाया है। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, हो गया। तो यहाँ बोलेंगे क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू, ठीक है, रिफ्रेश करोगे, अब एक्चुअली में वेरिएबल आपका बन गया। ठीक है, तो गेट मेथड से वेरिएबल का नेम जो दिया है, अब अभी तक तो ये वेरिएबल बनाया था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया तो वेरिएबल वेरिएबल वैल्यू आ रही थी। यहाँ के वेरिएबल का नेम दे दिया डॉलर ID इक्वल्स टू, वेरिएबल का नेम हो गया, डॉलर नहीं ID से देना। ठीक है, सेव किया, यहाँ चेक करोगे आपका, यहाँ देखो, यहाँ साइड में कॉलम में डॉलर ID इक्वल्स टू 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आके हम क्या कर देंगे कि ID इसको, अगर ID हमारी सेट हो तो इको हो जाए H1 में टेक ID, इको क्या हो जाए डॉलर ID। ठीक है, डॉलर ID अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड से ID आ जानी चाहिए, क्या आ जानी चाहिए, ID आ जानी चाहिए। सेव किया और रिफ्रेश किया, तो यहाँ देख रहे हैं ID आ रहा है। मैं क्लिक किया, ये देखो आपकी ID आ गई, नहीं दिख रही हो तो मैं जूम करके दिखा दूँ, ये देखो ID आ रही है। मैं फिर से बैक करूँ और मैं जीरो करता हूँ, इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे 5 नंबर की ID आ गई। ठीक है, मतलब हमें ID नंबर मिल गई। ठीक है, ID मिल गई, तो
अब हम क्या करेंगे, डेटा को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इको ना करके इसे एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, $ID। ठीक है, ID हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एक क्यूरी चलाऊँगा, $Query क्यूरी इक्वल्स टू डिलीट की क्यूरी, डिलीट डिलीट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम क्रेड वेयर वेयर ID इक्वल्स टू $ID। ठीक है, इस क्यूरी को रन कर देते हैं, $run इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ के सेव किया, और यहाँ के हमने बोल दिया कि $Query चल जानी चाहिए। अगर आपके मन में दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर पिछली वीडियो में आपने बताया था कि हम एक क्यूरी नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसके बाद नहीं बना सकते हैं, एक पेज में एक ही वेरिएबल बना सकते हो एक नेम से, मल्टीपल वेरिएबल नहीं। यहाँ कि मेरा इस पेज है ना, इसमें एक ही वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब मैं बोलूँगा इफ इफ अगर $run अगर सेट है, $run अगर सेट है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा ये वाला ये स्क्रिप्ट उठा लेंगे अलर्ट वाली, तो $run अगर सेट है इको हो जाए डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर नहीं है तो इको हो जाए डिलीटेड फेल्ड। और यहाँ के प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, सेव किया, और यहाँ के डिलीटेड सक्सेसफुली, ID नंबर 5 पर डेटा डिलीट हो चुका है, रिफ्रेश किया। ठीक है, अब मैं जैसे बोल दूँ कि मैं राजकुमार को डिलीट कर रहा हूँ, तो राजकुमार को डिलीट किया, डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ के बैक करोगे तो राजकुमार वाला डेटा तुम्हें नहीं मिलेगा। राजकुमार का डेटा चला गया ना। ठीक है, अब बात यहाँ आती है, देखो यहाँ भी डेटा देखोगे आप तो राजकुमार वाला डेटा नहीं मिलेगा आपको, जो डेटा डिलीट हुआ है। तो यहाँ कितने डेटा हैं, 4 डेटा हैं, तो इस टेबल में भी आपको 4 ही डेटा बचे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है तो उस पे ना हो, तो यहाँ आके हम लोकेशन डाल देंगे। ठीक है, या लोकेशन डाल दो, या इसी स्क्रिप्ट के अंदर, इसी स्क्रिप्ट के अंदर आप लोकेशन या विंडो डॉट लोकेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं याद तो यहाँ आके हम हेडर डाल देंगे, HEADER हेडर, और हेडर में हम डाल देंगे लोकेशन इंडेक्स डॉट PHP। सेव किया, और यहाँ से रिफ्रेश किया, फिर से डेटा क्रिएट किया, डेटा डिलीट हो गया ना, चला गया ना, फिर से डेटा क्रिएट कर दो, हो गया डेट। अब यहाँ डेटा को इंसर्ट करते हैं हम, तो यहाँ जैसे मैंने बोल दिया राजकुमार, और यहाँ के मोबाइल नंबर। ठीक है, डाल दिया और सबमिट किया, सक्सेसफुली आ गया ना, खिले ना, और यहाँ से डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी हो जाएगा, लाइक मैं फिर से डिलीट कर दूँ तो गेट इट। तो इस टाइप से आप डिलीट भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। मैं धीरे रन वाला डेटा अपडेट कर दूँ, तो धीरे रन एफ डेट
आते हैं, मोबाइल नंबर कुछ करना भी डाल दो और सबमिट कर दो डेटा को, रिजल्ट सक्सेसफुली आ गया डेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम डेटा को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।